स्टूडेंट्स दूसरा वीडियो आई जेवीएन डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्यतंत्र फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंड जयपुर। नरेंद्र सिंह सेवा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट शल्यतंत्र फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। क्लिनिकल स्टूडेंट सूर्यांश आरोग्य सोलह ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल जयपुर। Let's begin with the त्रिगोचक। त्रिगोचक means दस। जिस शास्त्र को तीक्ष्ण अग्र युक्त तीन कीले होती है उसे त्रिगोचक कहते हैं। प्रमाण इसकी लंबाई सुश्रुत के अनुसार 6 अंगुल और डलन के अनुसार 8 अंगुल होती है। परंतु बाद के कोचाओं में एक भी फासला होता है। इसका आकार अंतर्मुख के समान होता है। त्रिगोचक का उपयोग श्रावणार्थ किया जाता है। कुठारिका सीजल सीजल एयर सेफ नाइफ। कुठारिका तुल्य कुठारिका तत्र तत्रांतरम कुठारिकायां वृन्तम शातिसा अर्थ सप्तांगुलायतन अंगुलायतन अंगुलायतन कुठारिका नामक गोदंत सदस्य शस्त्र की लंबाई आठ अंगुल मोटा होता है। इसके ग्रंथ की लंबाई लंबाई 6.5 अंगुल और फल की लंबाई आध अंगुल होती है। अस्थि पर होने वाले सिरों का वेदन करने में इसका उपयोग किया जाता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये विस्तारम यस्य मुखे स्वरूप ब्रीद है चावल के दाने के आकार का।
जिसका मुकुट होता है ग्रीव मुख कहते हैं प्रमाण बोध के अनुसार इसकी लंबाई 6 अंगुल होती है। इसके वृंत की लंबाई 2 अंगुल तथा फल की लंबाई 4 अंगुल होती है। वागुड़ी चरण से फल की लंबाई 1.5 अंगुल होती है। वृद्ध वागुड़ी तो वृद्धि उदार गुलम वृद्धि का वेदन वेदन करने के लिए मांत्र प्रदेश के सिरों का वेदन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मांसल प्रदेश में सिरों का वेदन करने के लिए आ रहा वेदन करने के लिए एक बार आप देख सकते हैं देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है, विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। शर्मकार के शस्त्र नुमा होने वाले शस्त्र को आरा कहते हैं। इसका परिणाम दुर्वांकुर सदस्य होता है, वृंत वंश के सदस्य होता है। इसका परिणाम दुर्वांकुर सदस्य व्रत को उसके सदस्य होते हैं। इसके लंबा आटोमोबाइल होती है फल पत्र जितना था शस्त्र का उपयोग छोटी उत्पक अवस्था सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसका अर्धांगुल भाग कुंडली होता है, शेष भाग चतुष्कोणी होता है। शेष भाग चतुष्कोण होता है, वक्राकार भाग प्रदेश में वेतन के लिए किया जाता है। इस प्रकार वेतन करने के लिए उपयुक्त वेतन वेल की लंबे चार अंगुल थोड़े एक अंगुल और चार अंगुल पर क्या करो बात की किसने ओके वेदनार्थ बड़ी सार्प बड़ी सम बड़ी स्तल्यम बड़ी सम अधे से तत्रांत बड़ी से जयपि कर्तव्य प्रमाणे षड उंगले स्व अनुदूतय और एकम नाते भवे तर्द पंचमंत शेष कार्य मुख्यतय कार्य नाग इस विश्लेषण पर बड़ी रूपों में
है हम लॉर्ड जी के नाम से प्रणाम कर रहे हैं और उस नाम में थैंक यू जिसने दुनिया को भी हैरान किया आश्चर्य में डुबो दिया ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में आई जे वी एम डॉक्टर नरेंद्र सिंह सहगावत असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट और सलो परीक्षा ज्योति विद्यापीठ मंजूरी टीचर और ग्रेस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट introduction part of the topic. Today we will discuss again the rest part of the topic. Let's begin with Pitaji Vidarji ka varn ek pak udham par ke sammanat vashav varni pata to taisa vakut ke andar lal tatamra mein asit hota hai isme jwar da krishna mohammadi lakshan hote hai pitaji vidarji ka pak 70 hota hai aur iska sevan karne par dil palat jal ke ban ke sadasya sa hota hai सदस्य पांडु शीत स्तब्ध अल्प वेदनाथान प्रपागत सेकंड कपति का आकार शराब के समान होता है पांडु अनर्था शीत होता है धीरे धीरे फैलने वाला तथा पाक होने वाला मंद वेदना करने लक्षणों से युक्त होता है सुश्रुत के अनुसार इसका वेदन करने पर पांडव ने शराब बताया चरका सागवाड़ पिछला बोल मानता माता सन्नी पात्र जितर दी नाना वन अरुज साव पाटलोग विष्णु महान किसम पच्चते च अभी जितर दी सन्नी पातिक है लक्षण पतन गुड़ उत्पन्न वर्णों में के द्वारा पत्र सेवन करने पर वायु का मार्ग अवरोध होता था अगर ग्रहण धातुओं के क्षय वात प्रकोप होता है तो प्रकोपित वात के कारण रक्त की दृष्टि निर्माण होकर सतत विद्युत उत्पन्न होती है अगर पित्त रक्त विद्युत के समान लक्षण होते हैं जैसे जर तस्ना दाय लक्षण तीव्र स्वरूप के होते हैं तथा वागुण से विद्युत अधिक प्रमाण होते हैं लक्षण फूट प्रार के कारण उत्पन्न वर्ण में वर्णित के द्वारा पत्र सेवन ग्रहण वायु का मार्ग अवरोध होता है आघात के कारण धातुओं का क्षय होकर बाद प्रकोप होता है प्रकोप आघात के कारण रक्त की पुष्टि निर्माण होकर सतत विद्युत की उत्पन्न होती है रक्त वृद्धि के समान लक्षण होते हैं विशेष तरह ज्वर तृष्णा दाह ये लक्षण अधिक तीव्र स्वरूप होते हैं तथा वाग्भट के अनुसार सतत विद्युत के उपद्रव इससे भी अधिक प्रमाण में होते हैं प्रकार यहाँ पांच प्रकार के विद्युतियों के लक्षण बताए गए हैं
अंतिम विद्रोही रक्त विद्रोही का लक्षण अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे. So this session is powered by digital version 2.0 JAYOTI VIDYAPEETH JAIPUR. I hope you are satisfied with this digital session. Doubts and queries, please mention in comments. So I will resolve it soon.